सब्सक्राइब करिए आर्यवर्त इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये एकदम फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुजली के बारे में, जिसे इचिंग बोलते हैं या इच बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो दोस्तों, जहाँ पर हम बात करें खुजली की, तो उसमें नमक का सेवन बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। ऐसे में सबसे पहला काम तो आप ये करें कि नमक का सेवन ना करें। सेवन क्या करना है, फलाहार और शाकाहार का सेवन करना है, मांसाहार का सेवन भी नहीं करना है। तो ये तो होगी बेसिक बात, लेकिन अब इसका इलाज कैसे किया जाएगा और किन चीज़ों किस सेवन से और किस तरह के सेवन से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है केला। दांत खाज गंज हो तो केले के गूदे को नींबू के रस में पीस लें और लगाएं, इससे लाभ होता है। नींबू चूसें तथा नारियल के तेल में नींबू मालिश करें, खुजली में बहुत लाभ होता है। हरड़, पिसी हुई हरड़ 2 चम्मच 2 गिलास पानी में उबालकर छान लें। इसमें गर्म पानी से जहां खुजली चल रही हो धोएं, रुमाल भिगोकर पोंछें, इससे खुजली चलना बंद हो जाती है। चमेली का तेल, इसमें नींबू का रस समान मात्रा में मिलाकर मालिश करने से सूखी खुजली में बहुत लाभ होता है। चमेली के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करने से खुजली मिट जाती है। लहसुन को तेल में उबालकर मालिश करने से खुजली में लाभ होता है, यह रक्त को भी साफ करती है। गेहूं के आटे का लेप करने से चर्म रोग, चर्मदाह, खुजली, टीस युक्त फोड़े, फुंसी और अग्नि से जले हुए घाव में लाभ मिलता है। अरहर की दाल को दही के साथ पीसकर लगाने से खुजली में लाभ होता है। चने के आटे की रोटी बिना नमक के 64 दिन तक खाने से दांत खाज खुजली जड़ से ख़त्म हो जाती है और जीवन में कभी नहीं आती है। दूध को पानी में मिलाकर रुई के फोहे से शरीर पर मलें, थोड़ी देर बाद स्नान कर लें, इससे खुजली मिट जाएगी। नारियल का तो इसमें खुजली के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग बताया गया है, और चर्म रोग चाहे किसी भी तरह का हो, नारियल का तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर माना गया है। यदि आप धूप में ज़्यादा काम करते हैं तो भी आप अपने चेहरे पर नारियल का तेल और त्वचा पर नारियल का तेल लगाकर ही बाहर निकलें, इससे आप अल्ट्रावायलेट रेस से भी बच पाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि नारियल का क्या उपयोग है। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से खुजली कम होती है। जापान में यूनिटिका सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैजीम किमाटा ने 26 व्यक्तियों पर एलर्जी उत्पन्न करने वाले कण जैसे बिल्ली के बाल इत्यादि डालकर उन्हें चार्ली चैंपियन की ऐतिहासिक हास्य फिल्म मॉडर्न टाइम दिखाई थी। ये एक वाक्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर डॉक्टर ने देखा कि फिल्म देखते समय लोग और इस दौरान उन्हें किसी भी तरह के एलर्जी का एहसास नहीं हुआ। यही नहीं, फिल्म देखने के 4 घंटे बाद तक उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी ओर जब लोगों को 90 मिनट की साधारण मौसम संबंधी फिल्म दिखाई गई तो उन्हें लगातार निरंतर एलर्जी का अनुभव होता रहा। इन परिणामों को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने ये बताया कि एलर्जी संबंधित रोगों में यदि हमेशा हंसते रहें तो रोगी को एलर्जी का प्रभाव नहीं होता है, यानी प्रसन्न मन रहना चाहिए। खासकर खुजली के रोगियों के लिए भी ये ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे आपका ब्लड उतना ज़्यादा प्योरीफाई रहेगा, साफ़ रहेगा, और ब्लड के साफ रहने से त्वचा संबंधी रोग नहीं होते हैं या होते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है। इसके अलावा जीरा भी काफ़ी इस तरह के रोगों में काम करता है। जीरे को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने के बाद बदन की खुजली और पित्ती मिट जाती हैं, यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, मैंने जो उपाय आपको बताए निश्चित तौर पे आपके काम आए होंगे। यदि आएंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले पाएँ, और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।